महादेव दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा जर्नी होने वाला है दिल्ली टू माता सुरकंडा देवी टेम्पल, जो उत्तराखंड में तेहरी डिस्ट्रिक्ट में आता है और कानाताल के आसपास है गाइस। और मेरे साथ है मेरे दोस्त सानी भाई, जो टुंगनाथ टेम्पल का जब ट्रैक करने गए थे वहाँ पर भैया मिले थे। तो फिर नेक्स्ट जो हम लोग सुरकंडा देवी टेम्पल जा रहे हैं, तो इनके साथ ही दोनों एक साथ ही जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को कैसे आप दिल्ली से सुरकंडा देवी जा सकते हो उसका पूरा डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रिप। हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 5:40। फाइनली हम लोग आ चुके हैं ISBT काशमीरी गेट और फाइनली हम बस में भी बैठ चुके हैं। देख सकते हो दिल्ली देहरादून वाली बस, जो नंबर है 4472। और इसमें सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है गाइस, 2x3 का सिटिंग अरेंजमेंट होता है। चलो आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट। अभी टाइम हो रहा है 8:08 और फाइनली हमारा बस जो है पहला स्टॉप ले चुका है डिनर के लिए। तो चलिए पहले डिनर करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हो रहे 9:55 और फाइनली हम लोग पहुंच गए रुड़की बस स्टॉप। और अभी यहां पे 5-10 मिनट का हॉल्ट ले रहे, फिर यहां से अभी देहरादून के लिए निकलेंगे। तो अप्रॉक्स 2 घंटा टाइम लगेगा और भी देहरादून के लिए। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके दोस्तों, तो फाइनली हम 11:40 में देहरादून ISBT में पहुंच चुके हैं। यह मेरे सामने देख सकते हो देहरादून ISBT, और हमें बस वाले ने उस फ्लाईओवर के उस साइड में वहां पे छोड़ दिया। तो यहां से हम पैदल आए, देख सकते हो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मसूरी हिल ऑफ क्वीन। फिलहाल मैं खड़ा हूँ मसूरी, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और अभी धीरे धीरे सनराइज भी हो रहा है। यहाँ से दिखते हैं कुछ शेयरिंग टैक्सी या बस वगैरह मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ से स्कूटी हायर करने के लिए सोच रहे हैं। तो देखते हैं। तो आई होप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 9:19 और फाइनली हम लोग निकल चुके हैं माता सुरकंडा देवी टेम्पल दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे बहुत और स्कूटी हमें मिला 500 रुपया पर डे। तो हम लोग 500 रुपये दे के और ओनली ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए तो आपको इजीली स्कूटी रेंट पे मिल जाएगा। तो स्कूटी लेके हम चल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ से जो सुरकंडा देवी का जो डिस्टेंस दिखा रहा है 33 किलोमीटर, अप्रोक्स 1 घंटा 8 मिनट टाइम दिखा रहा है स्कूटी से। बट हम लोग तो रुक रुक के आराम से जो पूरा रोड का आनंद लेते हुए चलेंगे। तो हमें तो और भी टाइम लगने वाला है गाइस और फुल मज़ा आने वाला है। उतना सुबह जिस हिसाब से ठंड लग रहा था तो उस हिसाब से अभी ठंड है ही नहीं। तो नॉर्मल जैसे स्कूटी चलाने से जैसे ठंड लगता है उसी टाइप का ही है। तो धूप भी बहुत बढ़िया निकल गया। तो सफ़र का मज़ा लेते हैं और माता रानी का दर्शन करवाते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से और हम लोग भी दर्शन करते हैं। चलिए, जय माता जी, जय भोलेनाथ।
यहाँ से व्यू देखो माउंटेन रेंज का। वो हम लोग फाइनली धनौल्टी सिटी में एंटर कर चुके हैं, और ये जो आप देख रहे हो ये धनौल्टी सिटी है, और ये है धनौल्टी का इको पार्क है। और धनौल्टी का जो है बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यहाँ पे भी विंटर में बहुत ज़्यादा स्नो। ये है धनौल्टी का मार्केट, तो देख सकते हो दोनों साइड में कुछ इस प्रकार शॉप वगैरह है। अभी तो ऑलमोस्ट सारे बंद है क्योंकि अभी 10:30 बज रहे हैं, तो धीरे धीरे सारे ओपन हो रहे हैं दुकान वगैरह। खत्म हो गया था तो थोड़ा टेंशन में आ गया था कहाँ पेट्रोल पम्प है या नहीं है, तो फाइनली हमें पेट्रोल मिल चुका है गाड़ी के लिए, और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं माता सुरगंधा देवी टेम्पल के दर्शन करने के लिए। पत्थर गिर गया यहाँ पे, तो फाइनली हम पहुंच गए सुरगंधा देवी माता टेम्पल पे, जहाँ पे ट्रैक स्टार्ट होगा वहां पे पहुंच गए। मेरे पीछे देख फाइनली हम लोग 11:10 में ट्रैक जो है स्टार्ट कर दिया है। सुरगंधा देवी मंदिर दोस्तों, हम लोगों ने रोप वे में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा रास्ता है वहां पे, और ये देखो रोप वे से जा रहा है। अभी टाइम हो रहा है 11:28, और हम लोग बहुत रास्ता जो है कवर कर चुके हैं और थोड़ा सा बचा हुआ है बस इसके ऊपर है। और यहाँ पे देखो सर जो रोप वे का ट्रॉली है वहाँ पे रोक के रखा। ये जो घर है यहाँ से रोप वे स्टार्ट होता है, और वो जो नीचे रोड दिख रहा है उसी रोड से हम आए हैं, और वहाँ पे स्कूटी वगैरह पार्किंग करके वहाँ से ट्रैक करते हुए। ट्रैकिंग का जो रास्ता है आप अगर शॉर्टकट नहीं लेंगे तो ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है, और रास्ता अच्छे से बना के भी रखा। और हेलो दोस्तों, अभी टाइमर है 12:08 और फाइनली हम पहुंच गए माता सुरगंधा देवी टेम्पल, और यहाँ पे पहुंचने में अप्रोक्स 1 घंटा के टाइम लगा। अभी टाइम हो रहा है 12:30 और हम लोग जब यहाँ पे पहुंचे थे तब मंदिर का कॉपर्ट जो है बंद था, और अभी कॉपर्ट जो है खुल चुका है और हम लोग सारे लाइन में लग चुके हैं माता जी का दर्शन करने के लिए। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं माता जी का दर्शन करने के लिए, और सारे श्रद्धालु देख सकते हो सारे लाइन में खड़े हो चुके हैं। 1:30 और फाइनली हम अच्छे से माता जी का दर्शन कर लिया है, और दर्शन करने के बाद बहुत तेज भूख लग रहा था, और नीचे देख सकते हो वहाँ पे ढाबा वगैरह बना हुआ है, वहाँ पे आपको जो खाना चाहिए मैगी चावल जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। हम लोगों ने चावल खाया था, हाफ प्लेट चावल 50 रुपये, फुल प्लेट चावल 80 रुपये का मिलता है गाइस, और पानी बोतल जो है 25 रुपये का, और जो सुरगंधा माता देवी का टेम्पल है उसका चारों तरफ से गाइस व्यूज़ देखो पूरा माउंटेन से घिरा हुआ है इस माता जी का टेम्पल, और बहुत खूबसूरत है टेम्पल। अभी भी लोग जो है दर्शन के लिए लाइन से खड़े हुए हैं, हम भी
लाइन में खड़े हुए थे। लगभग आधा घंटे में हमारा दर्शन अच्छे से हो गया। और अगर आप लोग माता सुरकंडा देवी जी का दर्शन करने के लिए आना चाहते हो तो आप लोग आ सकते हो। बहुत ही इजी ट्रैक है और ऐसे चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हो। रोप वे का भी व्यवस्था है यहाँ पे, रोप वे के थ्रू भी माता जी का दर्शन कर सकते हो आके। जब विंटर में यहाँ पे स्नोफॉल होता है वो और भी बहुत ही खूबसूरत लगता है गाइस, देख सकते हो। अभी 1:32 हो गया, अभी भी सारे लोग लाइन से खड़े हुए हैं माता जी का दर्शन करने के लिए। और ये मंदिर का बैक साइड है, मैं सामने से भी दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये माता सुरकंडा माता जी का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जय माता जी लिख दीजिए गाइस। और